दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे कि जैसे कि मैंने अभी दो दिन पहले जब मार्केट क्रैश हुआ था तो उसमें मैंने बताया था सभी को कि भाई साहब मैंने एक आप कोई भी चीज़ आपके पास जो भी है आप सेल मत करिए, ठीक है। सेल करेंगे तो पैनिक होके सेल करने में आपको हमेशा लॉस होगा। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बता देता हूँ, एक मिनट वेट करिए, एक मिनट एक मिनट। पैनिक हो के अगर आप कोई भी चीज़ चाहे एक्स वाई जेड हो, अगर टेंशन में आके अगर आप सेल करोगे तो आपको वहाँ पे हमेशा लॉस होगा, ठीक है। हमेशा जब भी कभी भी आप कोई भी चीज़ में देख लो, हमेशा आपको यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। रही बात क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी में जितने भी लोग IPL जो अभी चला था, IPL को देख के या फिर वर्ल्ड कप को देख के या फिर एक्स वाई जेड किसी को भी देख के मार्केट में आए थे, तो वही लोग जितने भी थे सभी पैनिक हो गए। वो न्यूज़ की जितने भी न्यूज़ चैनल है तो वहाँ पे भी उन्होंने ये बताया कि भाई साहब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बैन होगी, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था एक दिन पहले, आप जाके चेक कर सकते हैं, लगभग उसी टाइम मैंने वीडियो बनाया था और यहाँ पे समथिंग 24 आवर्स पहले यानी कि 23 तारीख को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था नाइट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही बताया भाई साहब आप सेल मत करिए, अगर सेल करेंगे तो आपको लॉस होगा। जैसे कि हम अभी वजीरेक्स के ऊपर अगर प्राइस को देखते हैं, किसी भी कोई भी करेंसी के प्राइस को अगर हम चेक करते हैं, जब मैंने यहाँ पे बताया था जब जो USDT की जो प्राइस थी, चाहे TRX की जो प्राइस थी, चाहे XYZ कोई भी करेंसी की जो प्राइस थी, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ज़रूर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उस टाइम की जो प्राइस थी, लगभग लगभग मान के चलिए ये 1 हॉर्स का कैंडल है और इस जगह उसकी प्राइस थी सिप कॉइंस की, सिप कॉइन USDT, ठीक है, इस जगह। अब जिन्होंने भी यहाँ पे सेल कर दिया उनका तो समथिंग काफ़ी अच्छा लॉस भी हो गया, और जिन्होंने जैसे कि माना की अगर बात करते हैं तो माना भी ये यहाँ पे इस जगह आया था यानी कि 24 तारीख को या फिर 23 तारीख को इस जगह था $3.5 पे, ठीक है। जिन्होंने सेल किया उनका लॉस हो गया और वो अभी वहाँ से निकल गए और उन्होंने हर जगह से लॉस किया, यानी कि 2-1x का उनका लॉस इसलिए हुआ कि जैसे कि हम USDT की बात करते हैं, ठीक है, USDT की बात करते हैं तो USDT एंड INR, ठीक है, ये मैंने USDT की बात की USDT की बात करते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, Kumaut MLM, तो वहाँ से आपको डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा, प्लस वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे यही बताया 65 एंड 60 में आप अगर USDT आपका बाइंग प्राइस रख लीजिए, क्योंकि USDT 60 के आसपास समथिंग आना फाइनल है, ठीक है। जब भी हम कोई न्यूज़ देखते हैं, जब भी कुछ न्यूज़ आती है तो USDT 65 और 60 या फिर 55 हाईएस्ट लो इसका जो है 55 है, उसके बाद में वापस पंप करके उसकी पोजीशन पे वापस चला जाता है 80-82 के आसपास, ठीक है। अब जिन्होंने देखो सबसे पहले कोई चीज़ सेल की है, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि कोई चीज़ अगर वहाँ से सेल करते हैं बंदा, तो अगर जैसे कि WRX की बात करते हैं, उनकी 100 रुपये की खरीदी है, ठीक है, 100 रुपये की खरीदी, जैसे कि मार्केट अभी 130 के आसपास गया था तो 130 की खरीदी है। अब उस बंदे ने क्या किया कि 75 में सेल कर दिया, ओके, 75 में सेल करने के बाद में अगर उसके पास USDT पड़ा था तो USDT की जो प्राइस थी वो हो गई 65। हम 65 इसलिए गिन रहे, 60 के आसपास गई थी, 65 इसलिए गिन रहे कि क्या पता 65, 64, 67 एक एवरेज में उन्होंने सेल किया होगा। तो अब उस बंदे का लॉस कितना हुआ आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। फर्स्ट बात तो यहाँ पे उसका लॉस हो गया मान के चलिए 50-55 रुपये का पर WRX, ओके। तो इसके अलावा भी अगर USDT की बात करते हैं, USDT 80 रुपये पे सेलिंग था, 80 रुपये पे बाय एंड सेल हो रहा था, और यहाँ पे USDT में भी उसका 15 रुपये का यहाँ पे लॉस हो गया, यानी कि पर WRX उसका जो लॉस हुआ है मान के चलिए 70 रुपये, यानी कि उसका जो पैसा था, उसका जो पोर्टफोलियो था, समथिंग आधे के आसपास, यानी कि 50% डिस्काउंट में हो गया। तो मैं यही बात बोलता हूँ कि आप
पैनिक होके कोई भी चीज़ को सेल मत करिए, क्योंकि आप अगर पैनिक होके सेल करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आपका जो 1,000 का 500 हो जाएगा उससे क्या मतलब है, इससे तो अच्छा है 1,000 को आप पेंडिंग रखिए। ठीक है, जब आप पेंडिंग रखेंगे तो एक उसमें एक एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट इसलिए मिलता है कि अगर आपका 1,000 का 500 होता है, ठीक है, तो 500 में आपका लॉस कितना हो गया ये आप अंदाज नहीं लगा सकते, फर्स्ट बात। ठीक है, अगर आप इसको होल्ड रखते हैं, अगर क्रिप्टो करेंसी कोई कारणवश अगर बैन भी हो जाती है, कुछ दिक्कत वंश बैन भी होती है, तो उसमें अपने को यहाँ पे लगभग इंडियन गवर्नमेंट जो होगी वो कुछ टारगेट देगी कि भाई साहब आपको 6 महीने का टाइम है, आपकी जो चीज़ है आप सेल कर दो, कोई अदर एक्सचेंज पे सेल करके उसमें जो भी आपका पैसा है आपके अकाउंट में ले लो। ठीक है, तो ये ऐसा ये भी लगभग नहीं होगा, क्योंकि जो बेन होंगे टोकन वही टोकन होंगे जिसमें ट्रांजेक्शन दिखते हैं, इलीगल तरीके से ट्रांजेक्शन होते हैं, वही टोकन्स यहाँ पे बेन होने वाले हैं, क्योंकि उसमें जो जो भी फंडिंग होती है वो फंडिंग ट्रांजेक्शन किसी का भी कोई भी पता नहीं लगा सकते हैं, वो होते हैं प्राइवेट टोकन। ठीक है, वो समथिंग प्राइवेट टोकन, जैसे कि जापान की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, तो वहाँ पे भी ऑलरेडी बेन है। मैं अभी आपको वापस करना चाहूँगा, वो प्राइवेट टोकन बेन होंगे जिनकी ट्रांजेक्शन दिखती नहीं है, जिनकी कुछ फंडिंग होती है, कुछ कारणवश से लोगों में जो ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ट्रांसफ़र या फिर कारणवश उसको पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वो टोकन बेन होंगे जो अदर कंट्री में भी ऑलरेडी बेन है, तो वो भी इंडिया में बेन होने चाहिए। ठीक है, तो हम देखो आगे 2 दिनों में क्या होगा पता नहीं, कोई नहीं जानता है, परंतु तो भी वेट करेंगे। वेट के उपाय अलावा अपने पास कोई भी यहाँ पे रास्ता नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।